संगठन हमारा कार्य कर रहा है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे श्रीमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। भारतीय टेलीकॉम कांग्रेस की जो शुरुआत हो चुकी है और आज 6G के सिंपोजियम की शुरुआत होगी, वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि एशिया में पहली बार नई दिल्ली में भारत मंडपम को चुना गया है इस ITU के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगुलेशन को लेकर के जो कंसल्टेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इंडिया मोबाइल कांग्रेस को भी उसके साथ ही शुरू किया गया। श्रीमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीमय जी, कितना कितना इम्पॉर्टेंट है आज के इस माहौल में रेगुलेशन, एक ग्लोबल रेगुलेशन की बात कल प्रधानमंत्री ने की, जो टेलीकॉम यूटिलिटीज़ हैं, टेलीकॉम डिजिटल टूल्स को लेकर के खास तौर पर, क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा क्या होगा, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उससे क्या कुछ उस पूरे सेक्टर को फ़ायदा होगा? देखिए अजय, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में अभी भारत में जो स्टैंडर्ड की बात, जो ग्लोबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात जो हो रही है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में जो भी स्टैंडर्ड्स थे उसको रिसीव करने वाले थे, यानी कि दुनिया में वो स्टैंडर्ड्स तय हो चुका है, उस स्टैंडर्ड को फिर हम आगे अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहली बार है जब 6G का प्रसंग आ रहा है, तो उसमें भारत कह रहा है कि इसका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होगा उसमें हम सक्रिय भाग लेंगे। उसमें जो इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो इनोवेशन की जो दौड़ होगी, कंपनियों को जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में भारत जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव स्टैंड लेगा। तो प्रोएक्टिव स्टैंड लेने से फायदा ये रहता है कि कंपनियों को उसकी सोचने की जरूरत नहीं होगी कि भारत क्या इस स्टैंड में रहेगा या नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली इसमें ही, भारत इसमें ही शुरुआत से ही अपना पोजीशन लेकर उन कंपनियों को एक कॉन्फिडेंस, एक इन्वेस्टमेंट का माहौल पावरफुल ग्लोबली मुहैया कर सकता है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स किस स्टेज में भारत उसमें एंटर कर रहा है, किस स्टेज में उसको इंडस्ट्रीज के लिए लागू कर रहे हैं और कितने जल्दी उसको कर रहे हैं, इस पर इंडस्ट्री को काफी इंटरेस्ट रहेगा। खासकर आप अगर देख रहे हैं कि अभी इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट्स एक जिसे कहते हैं क्वांटम जंप हो चुका है हमारे देश से, तो इस सब को देखते हुए इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जी। और हेमंत कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दूरसंचार विभाग के प्रवक्ता हैं। हेमंत जी बहुत धन्यवाद। हम ये समझना चाहें कि भारत को इससे क्या क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है अगर हम इस पूरे ग्लोबल कॉन्क्लेव की बात करें जिसके साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी हो रहा है। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस WTSA में आज रिकॉर्ड नंबर में 3,100 डेलीगेट्स 155 देशों से यहाँ सम्मिलित हुए हैं, और कल ही जो पहले इसकी ओपनिंग प्लेनरी हुई है उसके बाद भारत के ही सूर्य आर मित्तर को इसका चेयर बना दिया गया है, और वही अभी अगले 14 दिन तक चलने वाला है, इसकी अध्यक्षता भारत के श्री आर मित्तर यहाँ करेंगे। तो बहुत इसके साथ ही हम लोग अपनी लीडरशिप जो है स्टैंडर्डाइजेशन के मामले में, टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करना चाहेंगे, उसमें अपने पॉइंट्स को यहाँ रख पाएंगे। आप जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमारे मंत्री जी ने कल कहा कि भारत 6G के मामले में कम से कम 10% पेटेंट अगले 3 साल में अपने नाम कराना चाहता है। ये जो पेटेंट और स्टैंडर्डाइजेशन अपने नाम कराना होता है तो उसके लिए अपने ही अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं के लिए आपको अपनी बातें यहाँ रखनी पड़ती हैं। तो ये WTSA की स्टैंडर्ड असेंबली एक वो जगह है जहाँ पर कि हम अपने 6G के मानकों को, अपने पेटेंट्स के जो हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको यहाँ हम आगे पुश कर पाएंगे। हेमंत जी, अगर हम बात करें मेक इन इंडिया एफर्ट्स की आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो उस पर कैसे काम चल रहा है, और अगर हम एंड टू एंड 6G स्टेक की बात करें तो उसमें कितना फीसदी औसतन हम कितना फीसदी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, 6G की तकनीक अभी रोल आउट अभी बहुत दूर है, अभी उसके केवल मानकों पर ही विचार चल रहा है, और WTSA का जो सेशन है और आगे के जो सेशन ITU के होने वाले हैं उन सब में उन्हीं मानकों पर विचार करते हैं, देन प्रोडक्टाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुरू में ही जब मानकों की बात चल रही है तभी हम उस तरह के मानकों को अपन आगे बढ़ा सके जिसमें हमारी कैपेबिलिटीज हो,
और इसी के चलते हुए जो हमने कहा कि 10% जो पेटेंट है ओवरऑल 6G के अंदर आने वाले हैं भारत से लेंगे, अगर वो आते हैं तो एक बड़ा योगदान होगा आगे वो मैन्युफैक्चरिंग करने का इंडिया के अंदर 6G प्रोजेक्ट्स का। हेमंत जी, कुछ और देशों के साथ हम बात भी कर रहे हैं क्या टेक्नोलॉजिकल सहयोग के लिए? ITO के जो डिजिटल मेरे ख्याल से इनोवेशन हब है जिसको कोचेयर ITO ने भारत को स्वीकार किया है डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का, तो उसमें हम क्या कुछ देशों के साथ कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, ना केवल ITO में बल्कि बाहर भी, और हम लोग ITO के भीतर भी हम लोग काफी सारी चीजों में अभी देशों के साथ 6G के बारे में बात कर रहे हैं। 6G अलायंस का जैसे आपने नाम सुना होगा, वो एक इंडस्ट्री और एकेडमिया और हमारे यहाँ के इनोवेटिव कॉलेजेस का एक समूह है जो कि विभिन्न देशों के साथ मिलकर के हमारी जो टेक्नोलॉजी है 6G की उनके बारे में बात कर रहा है और उनको स्टैंडर्डाइज कराने के लिए काम कर रहा है। तो आज भी उसका 6G का एक यहाँ सिंपोजियम का हमारे रिपोर्ट होने वाला है IMC के इस जी। और शुभमा जी भी हमारे साथ, शुभमा जी एक बात ये हो रही है कि जो हम टेलीकॉम का विस्तार कर रहे हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह 4G और 5G के जरिए पहुंचने की, कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी मोबाइल टावर की एक्सेसिबिलिटी जो डिफ़िकल्ट इलाके हैं वहां पर नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी को इंक्लूड करने के लिए और भारत नेट को और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शायद अब अगला जो ग्रोथ फेज़ आने वाला है गाँव से पंचायतों से वो शायद इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर ही खड़ा होने जा रहा है। जी, एक तरफ तो भारत नेट की जो बात हो रही है वो हमारे लिए काफी 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 इम्पोर्टेंट है, और भारत नेट के तरफ तहत आप अगर देखेंगे करीब 2.5 लाख पंचायत इस भारत नेट में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से चल के हर पंचायत तक पहुंचने का जो काम है वो लग चुका है। सो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इसीलिए ही आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देख रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज का, कंपनीज का एक्साइटमेंट का। साथ में 6G में अभी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जो बात आ रही है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बहुत सारे जगह में जहां पे अभी भी या किसी भी वजह से जब फाइबर ऑप्टिक पहुंचाना मुश्किल रहेगा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा फिलिंग इन द ब्लैंक करेगा। आप देखेंगे इस होड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टारलिंक, अमेजन, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, सारे कंपनीज इसमें अपना ऑलरेडी अपना पोजीशन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि क्या पॉसिबिलिटीज और क्या पोटेंशियल्स उनको दिख रहा है। शुभम जी बहुत धन्यवाद, हेमंत शर्मा जी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इकॉनमी टुडे आज के इस सक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरों के साथ फटाफट अंदाज